एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के बाद में हमने बात की थी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। नाउ इन टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारे दो सेंटेंस डिस्कशन के लिए हैं, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर और कमांड। आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी को कमांड दे रहे हो, तो वो आ जाता है किसमें? इंपेरेटिव सेंटेंस में। लीव माई प्लेस, दिस इज अ कमांड, सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, सेकेंड इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, आप किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सेंटेंस जो होता है लाइक प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज रिक्वेस्ट। द नेक्स्ट वन इन दिस कैटेगरी इज एडवाइस। आप किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं लाइक वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि जब आप इसको रीड करेंगे इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है कि मेहनत करो। ओके, सजेशन, सजेशन, सलाह, सजेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। सजेशन दैट इज लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स इन इंपेरेटिव सेंटेंस इज विश। मतलब आप किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं लाइक मे गॉड ब्लेस यू, सो ऑल दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिस इज द मेजर सिंबल, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फीलिंग्स में सबसे पहले आता है सरप्राइज। यू आर सरप्राइज्ड टू सी समथिंग ब्यूटीफुल और समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सरप्राइज को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, what a beautiful sight। Okay, now you are wonder to see something, so the feeling of wonder, wonder matlab hota hai aashcharya। To agar aap kisi cheez ko dekhkar aashcharya chakit hote hain, that also you will express here, how big the flower is, how big the flower is, yah phool kitna bada hai। Okay, next is joy, मतलब खुशी को एक्सप्रेस करना है। हाउ? हुर्रे, हुर्रे, वी वन द मैच। ओके, एंड वन मोर फीलिंग दैट इज सॉरो। अगर आप दुखी हैं तो उसके लिए भी जो आप एक्सप्लेनेशन जो सेंटेंस आप यूज करते हैं दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लाइक अलास, अलास, आई लॉस्ट माई डॉग, आई लॉस्ट माई डॉग। ओके, तो ये थे इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑर्डर या कमांड, मतलब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लाइक सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट आउट, कम इन, ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये किसमें आ जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट, आप किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। एडवाइस, सजेशन एंड विश, ये सारे फॉर्म होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। फीलिंग्स अबाउट सरप्राइज, व्हेन यू आर सरप्राइज टू सी समथिंग, व्हेन यू आर वंडर्ड, आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर सैड। तो ये सारी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में
एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये सिंपली एंड्स विद फुल स्टॉप. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स. आई होप द कंसेप्ट ऑफ सेंटेंसेस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर के और भी बेसिक चीजें हम रिकॉल करेंगे अलॉन्ग विद सम वर्ड पावर. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.